हमने अगले वीडियो में पूरी आर्डिनो के रिकॉर्डिंग वो जानकारी ली कि उसको पावर कैसे देते हैं, ऑफ टाइम पे उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा, ऑन टाइम पे उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा, आर्डिनो का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन कैसा रहता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्डिनो के रिगार्डिंग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, वो सॉफ्टवेयर को हमको कैसे डाउनलोड करके लेना है। तो उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो का नेक्स्ट सेकंड सेशन चालू करते हैं। इस वीडियो में हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर और उसके रिगार्डिंग जानकारी हासिल करेंगे। तो उसमें स्पेसिफिकली हम पहले वो देखेंगे कि आर्डिनो के में प्रोग्राम डाउनलोड और अपलोड करने के लिए हमको कौन सा करना है। यहाँ पे गूगल में जाके आर्डिनो आईडी लिखना है, तो उसमें जो पहला सा ही जो लिखे सॉफ्टवेयर लिखा हुआ आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद वो वेबसाइट के ऊपर जाके आपको उसके ऊपर लाइक यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का पार्ट्स लिखा है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको उसके वेबसाइट के ऊपर अपने से जो लेटेस्ट वर्जन दिखे बराबर उसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने जब उसका वर्जन वो डाउनलोड किया तो उस टाइम पे उसका आर्डिनो का आईडी वर्जन 2.2.1 था, तो मैंने अपने पीसी के हिसाब से उसको उस टाइम पे डाउनलोड कर लिया था। तो आप देखो विंडोज़ के लिए आपको डाउनलोड कर लेना है, 64 बिट का मेरा कॉन्फ़िगरेशन है तो मैंने उसके हिसाब से उसको यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है। तो आपको पहले सबसे पहले चीज़ हो आर्डिनो को ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने के बाद में आपको उसको सेटअप मिलेगा तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर देना है। तो आपको पीसी में जब वो दिखेगा जब डाउनलोड हो रहा है तो आप देखो मेरे में 2.2.1 का वर्जन था, तो पहले वो जब डाउनलोड हो रहा था उस टाइम का ये पिक्चर लिया हुआ है। बाद में आपके पीसी में जब डाउनलोड हो जाए तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो उस टाइम आपके पीसी में इसका ऐसा दिखेगा आर्डिनो आईडी 2.2.1 विंडोज 64 बिट, तो उसको डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं, आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। बाद में आपको यहाँ पे आई अग्री लिखा हुआ है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करके उसको चालू कर देना है, आपको अग्री करके उसको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आई अग्री करोगे तो उसके बाद उसमें एनीवन हु यूज दिस कंप्यूटर आपको उसको ऊपर पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। बाद में नेक्स्ट बटन दबा के आपको उसकी प्रोसेस कंटिन्यू चालू हो जाएगी। लास्ट में जब आप यहाँ पे पहुँचो तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबा लेना है। तो इंस्टॉल का बटन दबाते ही आपका ये पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा। और बाद में अभी हम आते हैं, ये हमारा प्रोसेस हुआ सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करने का। अभी हम बाद में उसको ओपन करेंगे तो पहले देख लेते हैं कि आर्डिनो जो हमारे पास हार्डवेयर के स्वरूप में है तो उसको पीसी के साथ कैसे लगाना है। तो हमने वो पहले से ही बताया था कि आर्डिनो का जो केबल रहता है उसका एक पोर्ट जो बड़ा वाला हिस्सा रहता है वो आर्डिनो की साइड लगेगा, और यूएसबी के साथ हमारा पीसी और लैपटॉप जो भी आपके पास है वो आप उसमें लगा सकते हो। तो आर्डिनो का जैसे ही आप कनेक्शन करोगे तो यहाँ पे उसका देखो कि जो हमने पहले भी बताया था कि उसकी जो एलईडी है उसका पावर ऑन होगा, तो उसकी ये जो ग्रीन एलईडी है वो ऑन रहेगी, तो ये हमने यहाँ पे वो दिखाया हुआ है। तो बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे हमने आर्डिनो का आईडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया तो आपको कंट्रोल पैनल में सर्च करके उसको पहले ओपन कर लेना है। तो जब जैसे आईडी लिखोगे सर्च बार में तो देखो ऊपर आर्डिनो आईडी लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको उसको ऐसे ही डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे आप उसको ओपन करोगे तो उसका ऐसा गेटअप आपको दिखेगा कि लाइक ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। तो बस इतना ही आपको करना है कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे। तो अभी जैसे ही उसका ये सॉफ्टवेयर आपने ओपन कर लिया है तो उसके बाद पहले आपका दो काम करना है। आपने पहले से ही उसको आर्डिनो के साथ तो कनेक्ट करके रख दिया है, तो पहले उसका बोर्ड डिसाइड करना है कि आप कौन से बोर्ड के ऊपर आपको ये लाइक आपने कौन सा एग्जैक्ट जो आर्डिनो है तो उसके उस साथ इंटरफेस करके रखा है, तो आपको पहले बोर्ड में जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे आर्डिनो यूनो लगाया है जो मैंने आपको अगले वीडियो में दिखाया कि मैंने उसके साथ कनेक्ट किया है। तो कई बार क्या होता है आप आर्डिनो नैनो लगाओगे, आप आर्डिनो मेगा लगाओगे, तो हमको उसको डिपेंड करना पड़ेगा आप कौन से हार्डवेयर के साथ उसके साथ प्रोग्रामिंग करना चाहते हो। तो मेरे पास अभी आर्डिनो का यूनो का हार्डवेयर है, तो मैंने पहले ही जाके अब देखो स्टेप वन, तो मैंने बोर्ड में जाके आर्डिनो यूनो सिलेक्ट कर लिया है। बाद में दूसरा स्टेप है, उसमें हमको पोर्ट डिसाइड करना है कि लाइक हमने हमारे पीसी के कौन से पोर्ट ऊपर ये आर्डिनो जो हार्डवेयर है उसको लगाया है। तो बाद में मेरे को टूल्स में जाके सीरियल पोर्ट्स में जाके उसमें दिखा देना है कि लाइक कॉम 5 पे ऊपर हमारा ये आर्डिनो लगा हुआ है, तो आपको ये भी दिखा देता हूँ लाइक उसमें भी टूल्स में ही जाके उसमें बोर्ड में जाना है और आर्डिनो को यूनो सिलेक्ट कर लेना है पहला स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, टूल्स में जाके सीरियल पोर्ट के ऊपर क्लिक करके ये जो कॉम 5 दिखा रहा है उसके ऊपर आप क्लिक कर लेना है। तो ये हमारा हो गया कि हमने हार्डवेयर को हमारे पीसी के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो
उसको सॉफ्टवेयर में हमने डिफाइन भी कर दिया कि मेरा एक पोर्ट पे हमारा आर्डिनो यूनो जैसा हार्डवेयर लगा हुआ है। तो बाद में हमको क्या करना है, कंपाइल और बर्न प्रोग्रामिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास कोई भी प्रोग्राम रहेगा तो उसको आपको पहले एक बार कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल मीन्स वो पहला पूरा प्रोग्राम तो पहले स्टेप्स के साथ पूरा एंड तक चेक करेगा कि उसमें कुछ बग और लाइक उसमें कुछ बग जैसा तो है नहीं निकलेगा, उसमें वो पूरा ईजिली हेल्थी उसमें राइट हो सकता है कि नहीं है। अगर वो कंपाइलिंग आपका ओके है तो आप उसमें बर्निंग के साथ आपके पीसी में से जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको आर्डिनो के अंदर डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गई कंपाइल एंड बर्न प्रोग्राम। तो उसके अंदर हम डीप में ड्राइव करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर था उसके एग्जैक्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ऐसा एरो मार्कर का एक सिंबल दिखेगा, तो उसको बोलते हैं कंपाइलिंग। जैसे ही हमारा जो प्रोग्रामिंग है आप उसको जैसे ही आपने पूरा प्रोग्राम लिख लिया उसके बाद आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि उसने जो राइट किया है जो भी कोड लिखा है वो उसके साथ कंपेटिबल है कि नहीं है। तो उस टाइम आप जब कंपाइल करोगे उसमें जो जो भी एरर रहेगी तो वो आपको उसमें दिख जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक जगह पे ऐसा कोमा नहीं लिखा है, लाइक आर्डिनो में ऐसा रूल्स रहता है कि लाइक आप जो भी सेंटेंस लिखते हो उसके बाद आपको सिंगल कोमा लिखना है। अगर आपने वो सेमी कॉलम नहीं लिखा है तो उसको उस टाइप लाइक वेरीफाई करोगे तो उस टाइम पे आपको कंपाइलिंग के टाइम पे उसको एरर दिखेगी। तो पहला स्टेप हो गया कंपाइलिंग। आपने क्या किया, पहले आपने आर्डिनो को हमारे पीसी के साथ लगा दिया, आर्डिनो का आईडी सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया, उसमें से जाके आपने पहले उसमें कौन सा हार्डवेयर लाइक आर्डिनो को डिफाइन कर दिया कि मैंने आर्डिनो का जैसा डिवाइस रखा है और उसके साथ कनेक्ट करना है, उसके बाद कौन से पोर्ट पे लगाए वो भी आपने डिफाइन कर दिया, एक छोटा सा प्रोग्राम ले लिया उसको आपने कंपाइल कर दिया और उसके बाद आपको करना है डाउनलोड। हम आगे की वीडियो में वो भी देखेंगे कि आपको कौन सा छोटा सा प्रोग्राम लिखना एकदम बेसिक से वो भी चालू करें। तो बाद में आप देखोगे यहाँ पे उसके एग्जैक्ट बगल में डाउनलोड का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप ये डाउनलोड मीन्स बर्निंग जैसे ही इसको क्लिक करोगे आपके पीसी में जो भी आपने छोटा सा कोड लिखा है वो कोड आर्डिनो के अंदर राइट हो जाएगा, इट मीन्स उसमें डाउनलोड हो जाएगा। जब तक ये आप नहीं कर रहे हो तब तक ऐसा ही सोचो कि उसके अंदर कुछ है नहीं, कोड पूरा जीरो है, उसके अंदर एम्प्टी कोड है। जैसे आपने डाउनलोड कर दिया वो कोड उसमें चला गया। तो ये एकदम फंडामेंटल चीज़ है, इसी भी टाइम आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको पहले हमेशा कंपाइल करना है, उसके बाद आपको उसमें बर्न इट मीन्स उसको डाउनलोड करना है। तो ये दो बटन आपको अच्छी तरह से सीख लेना है, ध्यान में रखना है। तो उसके बाद देखते हैं, अभी आपको कुछ नहीं याद नहीं रखना है, आपको पूरा आर्डिनो पूरा फैसिलिटी देता है छोटे छोटे कोड के साथ आपको कैसे चालू करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इतना एक सलाह देता हूँ कि आप डायरेक्ट बड़े प्रोग्राम से मत जाओ, आप पहले उसमें जो इनबिल्ट फाइल में जाओगे, एग्जांपल में जाओगे, बेसिक में जाओगे तो आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम इनबिल्ट दिए, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ो वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद ही आप बड़े बड़े प्रोग्राम चालू करो। तो उसमें आप हम एग्जांपल में जाके एक बेसिक्स जो प्रोग्रामिंग उसमें से हम ब्लिंक वाला अब देखो ग्रीन हाईलाइट किया है वो वाला अभी हम कोड उसमें से ओपन कर लेते हैं। अभी हमें ब्लिंक लिखा है वो वाला कोड को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद उसमें देखते हैं कि उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो मैं जैसे ही प्रोग्राम ओपन कर लिया तो उसमें पूरा प्रोग्राम का सेटअप है, तो मैं अभी आगे के सेशन में वो भी बताऊंगा कि उसका सेटअप आपको पूरा एकदम जीरो कोड में से कैसे वो चालू करना है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे खाली दिखा रहा हूँ, लाइक पहला प्रोग्राम राइट करना है खाली एग्जांपल तरीके, आपको अपने हाथ से नहीं लिखना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपने वो अब स्टेप में दिखाया उसके हिसाब से क्या किया, फाइल में गए, एग्जांपल में जाके बेसिक में से पूरा ब्लिंक वाला प्रोग्राम रेडीमेड उठा लिया। तो अभी आप वो प्रोग्राम के ऊपर आ गए तो आपने पूरा थोड़ा बहुत देख लिया कि उसमें वर्ड सेटअप लिखा है, वर्ड लुक क्या है, उसके रिगार्डिंग हम आगे डीप ड्राइव करेंगे वो क्या होता है। यहाँ पे पिन मोड डिफाइन किया है कि उसकी बिल्ट इन एलईडी उसको आउटपुट डिफाइन किया है, वो भी हम आगे डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। आप इतना समझो उसमें एक आउटपुट लिया है वो कौन सा लिया है, एलईडी बिल्ट इन। तो एलईडी बिल्ट इन मीन्स क्या होता है, उसके अंदर जो 13 नंबर की पिन है तो उसके सामने छोटी सी एलईडी दी हुई है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो वर्ड लूप में मैंने क्या लिखा है, डिजिटल राइट। तो डिजिटल राइट क्या करता है, आर्डिनो के अंदर प्रोग्राम को राइट करता है, जो भी डिजिटल सिग्नल है उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा। तो डिजिटल राइट मीन्स एलईडी बिल्ट इन। तो एलईडी बिल्ट इन क्या है, उसकी 13 नंबर की जो पिन है वो बिल्ट इन, उसको मैं हाई करूँगा इट मीन्स उसको ऑन ऑफ करूँगा। उसके बाद डिले 1000 मीन्स 1000 मीन्स यहाँ पे 1 मिली सेकंड कंसिडर करना है, इट मीन्स 1000 मिली सेकंड सॉरी, तो इट मीन्स वो हो गया 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के लिए वहाँ पे रुकना है, फिर से मेरे को क्या करना है, जो बिल्ट इन एलईडी है उसको ऑफ कर देना है, इट मीन्स यहाँ पे मैंने लो, तो यहाँ पे हाई और लो, यहाँ पे और 10 भी लिख सकते हो,
हाई मीन्स वो ऑन होगा, 1 सेकंड का डिले जाएगा, बाद में लो होगा मीन्स ऑफ होगा, फिर से 1 सेकंड का डिले जाएगा। तो ये लूप मीन्स वो कंटिन्यूस इस लूप में घूमता रहेगा। अब देखो तो वो लूप के बाद मैंने क्या किया, एक सेमी पूरा एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा है और इतना ही कोड है छोटा सा। देखो डिजिटल राइट डिले, डिजिटल राइट डिले, तो इतना ही कोड कंटिन्यूस घूमता रहेगा और भी एग्जीक्यूट होता रहेगा कंटिन्यू। तो वॉइड सेटअप है वो खाली बता देता हूँ कि एक बार ही कंसिडर होगा जब प्रोग्राम हमारा स्कैन होगा और राइट होने का चालू होगा, जब प्रोग्राम आर्डिनो इनिशियलाइज होगा। लेकिन वॉइड लूप है वो कंटिन्यू घूमता रहेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारा एलईडी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसा होता रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे पहले ऑफ है, या फिर इस कंडीशन में देखो कि हमारा एलईडी यहाँ पे कैसा है ऑफ सिचुएशन में, 1 सेकंड के बाद वो ऑन होगा, फिर से वो ऑफ होगा, बाद में फिर से वो ऑन होगा। तो ये हमारा हो गया एग्जिट पहला प्रोग्राम जो कि उसको बोलते हैं कि ब्लिंकिंग, उसकी इनबिल्ट एलईडी को हमने यहाँ पे ब्लिंक करवा दिया। मैंने कहीं से भी प्रोजेक्ट अपने हाथ खुद नहीं लिखा है, मैंने को रेडीमेड प्रोग्राम ही मेरे को यहाँ पे यूज़ किया है। बाद में हम डिटेल में देखें कि पहले से प्रोग्राम कैसे राइट करना है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर, तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो उसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा रहता है उसके रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे आ गए उसके प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, तो आप समझो आपको खाली इतना ही लाइफ में याद रखना है कि आर्डुइनो के उस पर प्रोग्रामिंग करना है तो पहले वॉइड सेटअप आएगा, बाद मेन दो कर्ली ब्रैकेट आएगा और वॉइड लूप आएगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया और क्लोज कर दिया। तो इतना ही फंडामेंटल चीज़ याद रखना है वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप, उसके रिगार्डिंग कुछ आपको याद नहीं रखना है। जो भी प्रोग्रामिंग होगी आपको वॉइड सेटअप में क्या लिखना है, वॉइड लूप में क्या लिखना है, उसके रिगार्डिंग हम डीप ट्राई करेंगे। तो सेटअप में यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि वो एक ही बार स्केच को इनिशियलाइज करेगा, लाइक जब आर्डुइनो को पावर देते हैं और उसको रिसेट करते हैं, तो वॉइड सेटअप के अंदर जो जो आएगा, तो वॉइड सेटअप के अंदर क्या क्या लिखते हैं, तो आप देखो या पिन मोड हम डिफाइन करते हैं कि कौन से पिन को कैसे कन्फिगर किया है, लाइब्रेरी को जो हमने कॉल किया है, हमने ग्लोबल पैरामीटर डिफाइन किया है, तो वो सब चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वॉइड सेटअप के अंदर हमने वो लिख दिया है कि जो एक ही बार एग्जीक्यूट करना है उसको कंटिन्यूस एग्जीक्यूट करना नहीं है उसके, क्योंकि लाइक मैं फॉर एग्जांपल दे बताता हूँ कि मैंने एक पिन है उसको 8 नंबर की पिन के ऊपर एक मैंने मेरा आउटपुट एलईडी लगा दिया है, तो उसका कनेक्शन चेंज नहीं होने वाला है, तो मैंने उसको एक ही बार चाहिए कि लाइक 8 नंबर की पिन के ऊपर एक एलईडी लगी हुई है, तो उसको मेरे को वॉइड सेटअप में डिफाइन करना है, तो वो सब चीज़ आएगी वॉइड सेटअप में। और वॉइड लूप में क्या आएगा, हमारा रेगुलर प्रोग्राम जो कंटिन्यूस एग्जीक्यूट होने वाला है, तो उसको हम सब वॉइड लूप में लिखने वाले हैं। लोकल वेरिएबल भी हम वॉइड लूप में लिख सकते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल को हमको वॉइड लूप में डिपेंड करना नहीं है, उसको हमको वॉइड सेटअप के ऊपर डिपेंड करना है। तो ओके फ्रेंड्स, वॉइड सेटअप में क्या करना है और वॉइड लूप में क्या करना है, वॉइड सेटअप एक ही बार एग्जीक्यूट होगा जब आर्डुइनो का पावर ऑन होगा और आर्डुइनो रिसेट होगा। वॉइड लूप क्या होगा, जैसे ही पावर ऑन करते हैं तो कंटिन्यूस घूमता रहेगा, कंटिन्यूस घूमता रहेगा, उसके अंदर जो भी कोड लिखा है कंटिन्यूस एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो उसके बाद आता है उसका मेरा फर्स्ट प्रोग्राम को, तो मैंने एलईडी को ब्लिंक करवा दिया, तो हमारा इनबिल्ट एलईडी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि एक 8 नंबर की पिन के ऊपर मैंने एक रजिस्टर के थ्रू एक एलईडी लगा दिया है और पूरा मैंने यहाँ पे उसका लूप पूरा किया हुआ है, तो यहाँ से मैंने ग्राउंड के साथ पूरा उसका टर्मिनल ख़त्म किया हुआ है। तो मेरी एक एलईडी को जब ऑन होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे वो 220 ओम का एक रजिस्टर लगाया है वो एलईडी के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ से 5 वोल्ट निकलता है। तो आप देखो यहाँ पे मेरे को आर्डुइनो में डिफाइन करना पड़ेगा कि एक एलईडी है जो 8 नंबर की पिन के ऊपर लगी हुई है और वो मेरा आउटपुट हो गया। तो अभी नेक्स्ट लेवल में देखते हैं, तो यहाँ पे देखो इंटीजर, इंटीजर क्या करता है, ये पूरा वेरिएबल हम आगे के पार्ट में सीखेंगे। तो एलईडी है मेरी, तो वो हम डिफाइन करेंगे एज इंटीजर, मैंने लिया है क्योंकि एक यूनिक वैल्यू है तो इसलिए मैंने उसको इंटीजर डिफाइन किया है। तो उसको मैंने एलईडी पिन 8 के ऊपर लगाया हुआ है। डिले, क्योंकि मेरे को डिले हर बार अंदर जाके चेंज नहीं करना है, मैं उसको इसलिए क्या किया, स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया कि मेरे को 500 मिलीसेकंड का डिले रखना है। तो देखो यहाँ पे वॉइड सेटअप में क्या लिखा कि मेरा एक एलईडी है, देखो उसको मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया कि वो 8 नंबर की पिन के ऊपर लगा हुआ है और वो क्या है, आउटपुट। आपको ऑलवेज यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है, पिन है तो स्मॉल करना है और पिन मोड का एम मेरा ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए, वो गलती आपको कभी भी करनी नहीं है वरना वो आपको कंपाइलेशन में एरर दिखाएगा। और ये आउटपुट है आपको ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये मेरा हो गया वर्ड पिन मोड, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया वर्ड
सेटअप के अंदर जो एक ही बार पता है कि मेरे को ये डिफेंड कर दिया, उसके बाद वो कनेक्शन चेंज होने वाला नहीं है। अभी क्या करना है कि मेरे को जो 8 नंबर की पिन के ऊपर जो रीडेल लगी है उसको ऑन ऑफ करना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा कि लाइक डिजिटल राइट LED हाई। तो क्या करेगा, जो LED मीन्स वो 8 नंबर की पिन के ऊपर लगा हुआ है आउटपुट हो उसको ऑन करेगा। उसके बाद मैंने दे दिया डिले वन। तो आप देखो डिले वन मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन किया है, तो 500 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, 100 मिली सेकेंड के लिए मेरी LED ऑन होगी। उसके बाद क्या होगा, डिजिटल राइट LED मीन्स मेरी डिजिटल राइट मीन्स वो आउटपुट है उसको मेरे को जीरो करना है, ऑफ करना है। उसके बाद मैंने फिर से डिले दे दिया, तो ये पूरा लूप कंटिन्यू खुलता रहेगा। आप यहाँ पे देखोगे तो वाइट लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट में वो कंटिन्यूस ये चलता रहेगा, लेकिन सेटअप वाला कोड एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो आपको क्लियर हो गया वाइट सेटअप में क्या करना है, वाइट लूप में क्या करना है, जो ग्लोबली एग्जीक्यूट होने वाला पैरामीटर है वो वाइट सेटअप के ऊपर लिखना है। तो देखो जो LED और डिले वन मैंने लूप के अंदर यूज़ किया है, इसलिए मैंने उसको पूरा स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया। अगर आपको इस टाइम पे डिले चेंज करना है तो यहाँ पे मैंने 1000 कर दूंगा, तो 1 सेकंड उसमें चेंज हो जाएगी डिले वन के ऊपर से। तो ये आपको क्लियर है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी हो और कैसे पहला आपको फंडामेंटल कोडिंग करना है। तो फ्रेंड्स आप ये पहला ए वाला कोड से जाओ, उसको कंपाइल और डाउनलोड करो और देखो कि आर्डुइनो में क्या हो रहा है। तो ए वाला हो गया वाइट सेटअप और वाइट, ये हमने आगे भी बता दिया कि लाइक सेटअप में क्यों मैंने बोल लिया और वाइट लूप में मैंने क्यों ए वाला डिफाइन कर दिया। तो अभी नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे मैंने 3 नंबर के ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया, ऐसा देखो कि आप 8 नंबर के बदले मेरे 3 नंबर के ऊपर लगाए। तो जो मैंने जो दिखा डिजिटल राइट 3 हाई, तो देखो ये ऑन होती है, उसके बाद डिले आया ऑफ रहा, फिर से वो कैसा होगा चालू हो जाएगा। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम हो गया मेरी एक्सटर्नल LED। ओके, वो पहला था इनबिल्ट LED 30 नंबर वाला, और ये हमारा हो गया एक्सटर्नल LED और 221 का रजिस्टर। उसके साथ आप सोचो कि 8 नंबर के पिन के ऊपर एक LED लगाई है वो ऑन हो रही है, देखो सेकंड का डिले आया जो कि हमने डिले के ऊपर डिपेंड किया, बाद में ऑफ हो गया। तो ये मेरा हो गया पूरा एक पहला सेशन। तो बाद में हम ये भी देखेंगे कि ये भी फर्स्ट ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम कोडिंग कर रहे हैं, तो मेरे को सेमी कॉलम लगाना ही पड़ेगा जैसे सेंटेंस खत्म होता है, वरना उस टाइम पे हमको एरर दिखाई देना पड़ेगा। जो जो भी सेंटेंस खत्म होता जाता है उस टाइम पे हमको वहाँ पे सेमी कॉलम का मार्क करना ही पड़ेगा, वरना वो Arduino को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए मेरे को यहाँ पे वो सेमी कॉलम दिखाना पड़ेगा। बाद में लाइन कमेंट, किसी भी चीज़ को आप कमेंट आउट करना चाहते हैं कि आपने यहाँ पे क्या किया है वो दिखाना चाहते हैं, तो आपको उस टाइम पे ऐसे डबल लाइन एरो में आपको वो फ्लैश फ्लैश करके वो लिखना पड़ेगा। देखो दिस इज द सिंगल लाइन कमेंट, वो क्या कर रहा है कि छोटी सी एक लाइन में कमेंट लिखना है, तो उस टाइप पे आपको डबल स्पेस का यूज करना है, और सेमी कॉलम और सेंटेंस के बाद आपको ये यूज करना है। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है कि आप नहीं ध्यान में रखोगे तो आपको ज़्यादा ही एरर का सामना करना पड़ेगा, जब आप अपना प्रोग्राम कंपाइल करोगे तो उसमें एरर ही एरर दिखेगी, इसलिए आपको ये चीज़ एकदम अच्छी तरह से ध्यान में रख लेनी है। उसके ताकि आपके बोलना हो बाद में ब्लॉक कमेंट, आपको एकदम बड़ी कमेंट लिखनी है 3-4 लाइन में, तो उस टाइम पे आपको स्लैश स्टार, उसके बाद जो भी आपको लिखना है 3-4 लाइन का सेंटेंस, और उसके बाद आपको स्टार स्लैश करके वो खत्म करना है। इतने सारे स्क्रिप्ट स्टोरी और बड़ा कमेंट के पूरा कोड किसके लिए लिखा है, उसमें क्या क्या होने वाला है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ लिखना है, तो क्या होगा जो कंपाइलिंग के टाइम वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एज अ पूरा एज अ एक प्रकार के सेंटेंस की तरह कंसिडर करेगा, और जो जो भी लिखा होगा वो कहीं पर प्रोग्राम में पिक्चर में आएगा नहीं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस एकदम फंडामेंटल चीज़ है, ओपन और क्लोज करना है वो, उसके अंदर आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो जो लाइक वर्ड सेटअप लिखेगी उसके बाद भी कर्ली ब्रेसिस आएगा, जो जो लूप आएगी उसके बाद भी कर्ली ब्रेसिस आएगा, तो आपको कंटिन्यू ध्यान में रखना है। जब आप लूप का यूज़ करोगे तो काफ़ी सारे ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसिस आएंगे, तो एक भी ओपन नहीं रहना चाहिए वरना पे वो आपको एरर दिखेगा। तो यहाँ पे नोट में भी मैंने लिखा हुआ है कि एन ओपनिंग कर्ली ब्रेसिस मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय द क्लोजिंग कर्ली ब्रेसिस, दिस इज द ओपन डिफॉल्ट टू द ब्रेसिस बीइंग बैलेंस, मीन्स वो बैलेंस होना है। तो आपने जैसे ओपन किया तो उसके सामने आपको उसको क्लोज करना ही, वरना आप कंपाइलेशन का एरर वो उसमें थ्रो करेगा। तो आपको खास ध्यान रखना है वाइड लूप स्टेटमेंट
सी ब्लॉक में भी जो एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्रामिंग है तो उसमें हमेशा कर्ली ब्रेसेस हमको यूज़ करना है। तो आप एक एग्जांपल के थ्रू मैंने दिखाया लेकिन कमेंट कैसे दिखाते हैं उसके थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो दो सेंटेंस पूरी दो लाइन मैंने यहाँ पर यूज़ की ब्लॉक कमेंट के लिए, तो पूरा ये उसके अंदर जो रहेगा वो ब्लॉक कमेंट किया जाएगा। लाइन कमेंट तो आप देखो पुट योर सेटअप को, ये तो छोटा सा एकदम लाइन का कोड है तो यहाँ पर मैंने वो लिखा हुआ है। तो बाद में देखो वेट लुक, वेट लुक के अंदर मैंने एक कुछ कंडीशन डाली है और उसको देखो आप ओपन और क्लोज कर ली ब्रेसेस से क्लोज किया है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा, एरर थ्रो पर रहेगा। तो देखो इच बार जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा सकता हूँ, फिर मैंने सब जगह पे यहाँ पे सेमी कोलन का मार्क किया है, इट मीन्स यहाँ पर वो सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। क्लियर हो रहा है आपको फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखो मैंने वॉइड लूप का कर्ली ब्रेसेस था वो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और ये जो इफ स्टेटमेंट का कर्ली ब्रेसेस था फिर मैं नहीं उसके थ्रू दिखाता हूँ, तो इफ का है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और यहाँ पे आप देखो ये दूसरा कलर ले लेता हूँ, वॉइड सेटअप का कर्ली ब्रेसेस है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ईच एंड एवरी कर्ली ब्रेसेस मस्ट बी क्लोज, अदरवाइज इट विल बी क्रिएट अ इंबैलेंस। तो आपको क्लियर हो गया कि ब्लॉक कमेंट किसको बोलते हैं, लाइन कमेंट किसको बोलते हैं, सेमी कोलन किसको बोलते हैं और कैसे यूज करना है और कर्ली ब्रेसेस। तो आई होप अब यहाँ तक कितना पूरा क्लियर हो गया है। तो अभी हम आगे के वीडियो में मिलेंगे, तो उसमें हम जाएंगे वेरिएबल की वर्ड्स। तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं और आप उसका रिविजन करो, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू मैक्सिमम हु आर वेरी ईगर टू नो दिस आर्डुइनो, who are is the beginner in the Arduino. Thank you.